ओम शांति। इस धरती पर जन्म लेते ही परमात्मा ने हमें बहुत सारे खजाने सौगात में दिए। संकल्पों का खजाना, सांसों का खजाना, समय का खजाना, शब्दों का खजाना, कर्मों का खजाना, बहुत सारे खजाने। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण खजाना है, संकल्पों का खजाना, थॉट पावर। हमारे विचारों में जबरदस्त शक्ति है। वॉट एवर वी थिंक वी बिकम, वॉट एवर वी फील वी अट्रैक्ट, and whatever we imagine, we create. माना हर क्षण हर पल हम जो महसूस करते अंदर से, महसूस करना, फील करना, that we attract into our life. और वो महसूस किस आधार से करते? हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, हम जो महसूस करते हैं हम उसको बार बार इमेजिन करते हैं, और सचमुच में उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे रिश्तों पर, वातावरण पर होता जाता है। अगर मैं बार बार किसी रिश्ते में चल रही कटुता, नेगेटिविटी या फिर उसके साथ गुस्सा, इसको मैं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ सोच नहीं रही हूँ, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मुझे जैसे उस रिश्ते की याद आती है, उसके वो वर्ड्स, उसका वो व्यवहार, फेशियल एक्सप्रेशंस याद आते हैं, तुरंत मैं उसे, उस घटना को फील करती हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी वो घटना मेरे सामने हो गई, जस्ट अभी अभी हो रही है। मालूम है उसका असर क्या होता है? आप जिस भी वस्तु को, जिस भी थॉट को आप फील करते हो, घटना को महसूस करते हो, भले वो 10 साल पहले हो गई, 5 साल पहले हो गई, 6 मास पहले हो गई, लेकिन आज भी आप उसे महसूस कर रहे हो, तो आप, आपके मन, आपके शरीर पर उसका असर कर रहे हो, और उस नेगेटिव इमोशन का असर शरीर पर जहर के रूप में हो जाता है। हाँ, उसमें डर और चिंता को भी ले सकते। अगर बार बार आप किसी बीमारी से डर रहे हो, दूसरे की बीमारी देखकर आप डर रहे हो, कहाँ मुझे नहीं हो जाए, कहाँ मुझे नहीं हो जाए, और डर के मारे आप उस बीमारी को अट्रैक्ट करते हो, बहुत सारा ध्यान देने के बावजूद भी, परहेज रखने के बावजूद भी। बिकॉज वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। और इसी के लिए आज हमें अपने संकल्पों में, जिस संकल्प में हीलिंग एनर्जी है, जो संकल्प मुझे स्वास्थ्य दे सकते हैं, जो संकल्प सब कुछ लाके दे सकते हैं, आज मुझे अपने संकल्पों में अगर इसके अपोजिट डाल दिया, तो डर के बजाय शक्तिशाली संकल्प, मैं शक्तिशाली हूँ। बदला लेने के बजाय प्यार की भावना, मित्रता की भावना, कटुता के बजाय प्रेम की भावना, बदला लेने के बजाय अच्छी तरह से बदलने की भावना, सहयोग की भावना, क्षमा भावना, धैर्य, धीरजता, अगर हम इन गुणों को अपने संकल्पों में रखते हैं, या हमारे संकल्प हम इन गुणों के साथ करते हैं, मैं आज से इन सबको क्षमा करता हूं, माफ कर देता हूं, मैं भूल जाता हूं मेरे कटु पास्ट को, मैं सबके साथ प्यार से चलूंगा, सबके लिए मेरे मन में प्यार है, क्षमा भाव है, शांति है, यही संकल्प आपके लिए हीलिंग एनर्जी का काम करेंगे। और इसीलिए प्लीज स्लो डाउन, संकल्पों की
स्पीड को स्लो डाउन कीजिए और स्लो डाउन करते हुए शुद्ध संकल्प सोचिए, परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़े और परमात्मा से रिश्ता जोड़कर अपने आप को कहे, मैं उस परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ, मैं अपने लिए सबके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ सोचता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ, प्यार वाला सोचता हूँ। और शुरू हो जाएंगे हीलिंग एनर्जी, और वो हीलिंग एनर्जी मन को हील करेगी, स्वस्थ करेंगी, बॉडी को, शरीर को हील कर देगी, और हीलिंग से हैप्पीनेस की ओर बढ़ेंगे। तो मन और शरीर को खुश रखना है ना, तो चले आज इसे यूज़ करें। हैप्पी डे।